देश का सियासी माहौल गर्म है। 2024 की तैयारी के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, तो 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है। इसी को लेकर सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है। सर्वे में 4029 लोगों से बात की गई है। सर्वे पिछले हफ्ते किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 5 फीसदी है। इस सादगी पर कौन ना मर जाए, ए खुदा लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार नहीं है। देखिए ये गालिब का शेर पढ़ रहा हूँ, बजंता जिंदाबाद में, और ये शेर बड़ा ही पॉलिटिकल शेर पढ़ रहा हूँ गालिब का। गालिब बड़े पॉलिटिकल आदमी थे, उनको पता नहीं है, मालूम था कि नहीं कि एक दिन यहाँ पर इसी दिल्ली में, हालांकि वो इस लुटियन जोन के नहीं थे, पुरानी दिल्ली के थे, लेकिन शायद उनको मालूम था कि कभी यहाँ पर दो बैठकें होंगी, एक होगी दिल्ली में एनडीए की और एक थोड़ा सा दूर दक्कन यानी कि दक्षिण में, गालिब के समय में दक्कन कहते थे उसको, वहाँ पर बैठक होगी जो जो दूसरा खेमा है, विपक्षी खेमा है, और आपस में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, तो इस सादगी पर कौन ना मर जाए ए खुदा कि वो लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार नहीं है। तो क्या है ये पूरी कहानी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों के जरिए देश की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट। बेंगलुरु में महागठबंधन का मंच सज चुका है। 2024 में मोदी को घेरने के लिए विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग होने जा रही है। दूसरी ओर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने सहयोगी दलों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की मीटिंग के लिए नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। सवाल ये कि क्या 2024 में महागठबंधन मोदी को घेर पाएगा। जितना ये एजेंसीज का दुरुपयोग करके तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे उतना इन्हीं को नुकसान होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। कर्नाटक में इन्होंने यही सब करने की कोशिश की थी, क्या मिला, बैठ गए ना विपक्ष में जाकर। 23 जून की बैठक में 16 थे, अब 26 हो गए। आने वाले दिनों में कुछ हैरान कर देने वाले नाम भी आएंगे। इससे पहले पिछले महीने पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उस बैठक में 15 दलों ने हिस्सा लिया था। इस बार छोटे दलों को भी शामिल करके कुनबा बड़ा करने की कोशिश की गई है। यूपी की राजनीति करने वाले आरएलडी के जयंत चौधरी भी बेंगलुरु पहुंचे हैं। विपक्ष की बैठक से कुछ अच्छा निकलेगा, ठोस निकलेगा, उसी उम्मीद से मैं भी आया हूँ। जो बड़े मुद्दे देश के आगे हैं, जो बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिनको लेकर हमें साझा होकर कुछ सोचना चाहिए, जनता के उन सवालों पर हमें आगे उत्तर देना है, उनको उम्मीद देनी है, उन विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि बेंगलुरु की इस मीटिंग में विपक्षी दल चेहरे और नाम पर मंथन करेंगे। विपक्ष की कोशिश बीजेपी गठबंधन के खिलाफ हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा करने की है। विपक्ष की इस रणनीति को काटने के लिए बीजेपी ने भी अपना कुनबा बड़ा करना शुरू कर दिया है। यूपी में ओम प्रकाश राजभर एनडीए में वापस आ चुके हैं, तो बिहार में चिराग पासवान और मांझी को जोड़कर दलित वोटरों को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए, आपका जनता जिंदाबाद में स्वागत पहले ही कर चुका हूँ, इस्तकबाल कर चुका हूँ और अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। उसके बाद आज हमने सर्वे किया है, बड़ा ही दिलचस्प सर्वे है, पूरा ये जनता जिंदाबाद उन्हीं सर्वे पर होगा। लेकिन पहले परिचय लीजिए, ऋषभ तिवारी हैं बीजेपी से, भगवा होना चाहिए लेकिन लाल पहने हुए हैं, कॉम्रेड हो गए हैं क्या? हम अपने अंदर सबको सम्मिलित करते हैं और उसका प्रतीक है, बिल्कुल, और दिल लिए हरा भी है, मैं भगवा शरीर पे लाल हरा भी, बाद में। अभिषेक तिवारी हैं आम आदमी पार्टी से, दुष्यंत नागर जी हैं ये समर्थक हैं कांग्रेस के, और खालिद अख्तर साहब हैं सी वोटर के हमारे एडिटर हैं, जिन्होंने कि ये पूरा का पूरा सर्वे किया है। और अब सवाल ये कि मैं बहस किस बात पे करूं, ये रास्ता मुझको बताएंगी शिरीन जो कि स्टूडियो में है। शिरीन, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे कुछ वहां से ऐसा चारा दीजिए, फूड फॉर थॉट जिसे कहते हैं, जिस पर कि मैं बहस कर सकूं। बताइए कि सर्वे क्या कह रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये त्वरित सर्वे है, ये त्वरित सर्वे बताएगा कि जनता के मन में इन कवायदों को लेकर क्या चल रहा है, चाहे महागठबंधन जिस तरीके से तमाम दलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर अब एनडीए अपने अपने छोटे छोटे सहयोगी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्वे में हमने पहला सवाल दर्शकों से क्या पूछा, अपनी जनता से क्या पूछा है, वो आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने, विपक्षी दलों की बैठक में छोटे दलों को बुलाना क्या विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है, ये सवाल
जवाब अब सामने रख देते हैं। 55% जनता इसे हाँ कह रही है, नहीं कहने वाले 31% है, और यहां पर जो पता नहीं कह रहे हैं वो 14% का आंकड़ा है। तो यहां पर 55% को ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों की बैठक में छोटे दलों को बुलाना विपक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ज्यादातर लोगों का यही कहना है, 55%। अब जल्दी से अगला सवाल भी अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं और उसके बाद फिर अभिषेक आपके पास मैं आऊंगी। अगला सवाल है, विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए सोनिया गांधी की सक्रियता से विपक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी, मिलेगी क्या या नहीं? 51% कह रहे हैं कि बिल्कुल मजबूत होगा विपक्ष, 39% कह रहे हैं कि नहीं होगा, और 10% जो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में नहीं मालूम। लेकिन यहां ज्यादातर यानी कि 51% का यह आंकड़ा यह बताता है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी की सक्रियता से विपक्ष मजबूत होगा। यह बड़ी खबर है। विपक्षी बैठक में छोटे दलों को लेकर भी सवाल हमने पूछा और जिस तरीके से जवाब सामने आया, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि छोटे दलों को साथ लाना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल शीरीन, और देखिए इस पर पहले बात कर लेते हैं, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं फिर मेहमानों के पास चलेंगे। आशीष सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ में बेंगलोर से, और नीरज पांडे जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आशीष, देखिए ये जो दो सर्वे के दो अलग अलग जो सवाल थे उसमें जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो सोनिया गांधी की सक्रियता लगा, और जो जवाब आए हैं वो अद्भुत जवाब हैं। 50% से ज्यादा ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी सक्रिय हुई हैं तो कुछ बेहतर होगा। और आप याद कीजिए 2004 से 2014 जिस तरह से यूपीए मजबूत होकर के चला है, सोनिया गांधी की बड़ी अहम भूमिका बताई जाती थी। तो क्या ये सक्रियता आशीष गेम चेंजर हो सकती है क्या? देखिए संभव है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के अभिषेक आप जानते हैं कि तमाम छोटे दलों में तरह तरह के रिजर्वेशन थे। आपने 2004 का उदाहरण दिया, 2004 में भी हमने ये देखा था कि मिसेस गांधी के इर्द गिर्द ये तमाम छोटी पार्टियां रैली करी थी। हालांकि उस वक्त अमर सिंह ने भी सबको साथ लाने में बड़ी अहम भूमिका, कांग्रेस और हरकिशन सिंह सुरजीत थे जिन लोगों ने भूमिका बनाई थी 2004 में यूपीए और लेफ्ट को साथ में ला करके एक साझा सरकार बनाने की। कुछ स्थिति वैसी है, और तभी आप देखिए इत्तफाक से आज आप 2004 का उदाहरण दे रहे हैं। और दोपहर में मैं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से अभिषेक बात कर रहा था, तो उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि बंगाल में तो आप सीधे तौर पर तृणमूल से लड़ रहे हैं तो कैसे सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा आप 2004 याद करें, हमने अटल जी को कैसे रोका था, हमारे 57 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कांग्रेस को हरा करके आए थे और फिर भी केंद्र में हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तो मुझे लगता है कि इंटेंट है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है कि मोदी को अगर रोकना है, बीजेपी को अगर रोकना है, तो सबको इकट्ठा होकर बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? यस, इसमें एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड जरूर है मिसेस गांधी का सक्रिय होना, जो कि सक्रिय तौर पर पिछले कुछ दिनों से राजनीति में नहीं दिख रही थी, उनका इस बैठक बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आशीष। और आप जब आशीष जवाब कहते हैं, जवाब कह रहे हैं कि मिसेस गांधी, देखिए मैंने भी जो सुना है आप जब बात कीजिए सहयोगियों से तो मिसेस गांधी यानी कि सोनिया गांधी की जब बात करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं कि ये अगर हैं तो इनके अनुभव के चलते कोई बिखराव नहीं होने पाएगा। मेहमानों के पास चलते हैं और ये सवाल मैं खालिद जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले दुष्यंत नागर जी के पास आ जाऊं और उनसे ये समझ लूं, ये हमारा सर्वे ये कह रहा दुष्यंत जी कि सोनिया गांधी एक्टिव हो गई हैं और वो पहुंची हुई हैं, उनके होने से जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है बड़ा पॉजिटिव आ रहा है कि सोनिया गांधी हैं तो इसका मतलब है कि ये बेहतर होगा, फायदा होगा, आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, यूपीए 1 और 2 में मिसेस गांधी ने लीड किया गठबंधन को, और जो वो गठबंधन था वो टोटल एक कार्यक्रम आधारित था, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऊपर सरकार चली और जो वादे मैडम ने किए वो डिलीवर हुए। आरटीआई बना, मनरेगा आया, भूमि अधिग्रहण सुधार कानून जो एक 100 साल से लंबा लटका हुआ मामला था, किसान को उसकी जमीन का अधिकार नहीं, सारा क्रेडिट सोनिया जी को जाता। मिसेस गांधी इसका 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 आप कह रहे हैं, पर इसका दूसरा पहलू ये भी है दुष्यंत भाई कि राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को निभाने में वो कैरी नहीं कर पाए तो फिर से सोनिया गांधी को आना पड़ा, पॉलिटिकल मैसेज तो यही है इसका। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री राहुल गांधी जी ने देखिए कितनी शानदार कैंपेनिंग की है, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर अतुलनीय है, अनुपम यात्रा तो कर ली, लेकिन गठबंधन घटक को नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो घटक जोड़ पड़ी है सीपीपी के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड है तकनीकी रूप से वो उसके मुखिया। एक रिएक्शन खड़े से बीजेपी से ले ले फिर इधर भी जाएंगे। ये बताइए ऋषभ, ये आपके लिए चिंताजनक बात तो होगी ही ना, पहले से मुस्कुरा रहे हैं आप, अरे सोनिया गांधी जी आ गई फोर फ्रंट पे, आप तो चिंता बढ़नी चाहिए। देखिए ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमें भी अच्छा लगता है विपक्ष मजबूत हो, लेकिन आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छा विपक्ष रहेगा तो हमें भी खेलने में मजा आएगा,
विपक्ष में इतना आपने ईडी चला दिया है, इतना ईडी चला दिया है कि ये कह रहे हैं मजबूती नहीं हो पा रहे हैं, आप तुरंत ईडी चला देते हैं जैसे मजबूत होने की कोशिश करते हैं? ईडी अपना काम करिए, इनको इतनी बेचैनी क्यों है? अगर ये पाक साफ है तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये वो स्नेह मिलन कर रहे हैं प्रेम का, जरा पूछ भी ले लें दिल में प्यार लेकर कौन कौन आ रहा है। ठीक है, मैं खालिद सर के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इधर आइएगा क्योंकि अगला सवाल लेना भी बहुत जरूरी है। शिरीन, एक बार फिर से आपके पास चलेंगे, जरा आगे का देखिए, आप शिरीन जो बता रही हैं वैसी यहाँ पर गाड़ी चल रही है। अगला सवाल बताइए ताकि आगे की चर्चा यहाँ पे शुरू हो सके। शिरीन, बिल्कुल अभिषेक, दर्शकों के साथ अपना अगला सवाल रख लेते हैं क्योंकि त्वरित सर्वे में हमने कई सवाल पूछे और सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो बताएंगे कि आखिर ये तमाम चीजों को लेकर, चाहे विपक्ष की कवायद हो या फिर बीजेपी की जो एनडीए को मजबूत करने की कवायद चल रही है, लोगों के मन में आखिर इन सब चीजों को लेकर क्या होता है। अगला सवाल जल्दी से, ऑल इंडिया सर्वे के तहत हमने अगला सवाल जनता से क्या किया है आपके सामने रख देते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है और ये सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने के बाद विपक्ष को किसे आगे करना चाहिए, यानी राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन? और देखिए 33% जिन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया, 14% जो नीतीश कुमार को आगे करना चाहते हैं, केजरीवाल के समर्थक 14% हैं यहां पर, ममता बनर्जी 10% और 29% ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, जिन्हें नहीं मालूम, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन आगे होना चाहिए। लेकिन यहां 14% नीतीश कुमार और केजरीवाल, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा, यानी कि 33% का जो ये आंकड़ा है वो प्रियंका गांधी को देखना चाहता है। अभिषेक, वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को मौका मिले और विपक्ष को प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रिजल्ट और इस पर ये कैसे आया है ये समझेंगे, लेकिन एक बार घुमा ले, जनता जिंदाबाद, जनता के पास आना तो बहुत जरूरी है। आप जिस अंदाज में हाथ बांध करके खड़े हुए हैं, चुनाव नौकरी लड़ने का इरादा है ना? इतने चुनाव तो नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे अब सवाल का जवाब दीजिए। अभी सर्वे हमारा हुआ है, वो कह रहा है विपक्ष में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, विपक्ष में लीड कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, नीतीश कुमार पीछे हैं, आपका क्या मानना है कौन विपक्ष में लीड करेगा? देखिए, जिस तरह से जो पिछली बैठक हुई थी इनकी, उससे तो आज यही लग रहा है जैसे आज सोनिया गांधी जी अध्यक्षता कर रही हैं इस बैठक का, ये कहीं ना कहीं अंदर से उन्होंने ये भांप लिया है कि राहुल गांधी को कोई भी अपना अध्यक्ष या अपना नेता मानने के लिए रेडी नहीं। राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपका मानना है राहुल गांधी से नहीं, प्रियंका गांधी ज्यादा ठीक है क्या? बिल्कुल, प्रियंका गांधी से ज्यादा अच्छा क्या नाम है राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या खास है प्रियंका गांधी? देखा जाए तो विपक्ष में, अब अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी को ज्यादा उसमें वो करते हैं। अरे क्या बात है, राहुल गांधी कई बार फेल हो गए हैं, वो फिलहाल एग्जाम में बैठी ही नहीं, अब तक एग्जाम में बैठी नहीं, फेल किस? फेल ही नहीं हुई तो यूपी में फेल हुई हैं। अरे वो तो देखिए, यूपी में आपको ही पता है, सबको पता है, प्रारंभिक कैंपेन था और दूसरी चीज उससे कुछ हासिल भी नहीं होना था, उत्तर प्रदेश में चुनाव उस तरफ था। खालिद साहब के पास चले जाएं। खालिद साहब, ये किस तरह से आपको लगता है, प्रियंका गांधी का, इतने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल भी इस समय उभरे हुए हैं और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता सबसे आगे निकल गई, ये क्या मैसेज है? देखिए, ये जो सर्वे, पहली बात तो आपको मेथोडोलॉजी समझनी होगी इस आंसर को समझने के लिए। ये सर्वे किया गया है जिसमें कि अलग अलग इंडिया के रीजन से सवाल, लोगों से ये सवाल पूछा गया, तो उसमें आप ये देखेंगे कि लोगों की जो राय है वो ऐसी पार्टी के और उसके लीडर के फेवर में है जिसका नेशनल फुटप्रिंट हो, और वो पार्टी कांग्रेस है और प्रियंका गांधी उसकी एक लीडर हैं, बाकी जो लीडर्स हैं उनकी एक रीजनल अपील है। कांग्रेस का उनको फायदा मिला, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का, ये पार्टी है जिसका नेशनल फुटप्रिंट है और अभी भी कांग्रेस में गांधी फैमिली के ही लीडर्स की सबसे ज्यादा मास अपील है। अभिषेक भाई, आम आदमी पार्टी से मोबाइल छोड़ दीजिए ना, किसका फोन आ रहा है, पार्टी से तो नहीं फोन आ रहा है कि ये बोलना है? नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल पीछे क्यों रह जा रहे हैं? आप लोग तो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, बताइए, प्रियंका गांधी 35%, अरविंद केजरीवाल 14%। देखिए अभिषेक भाई, ये सवाल अरविंद केजरीवाल या किसी प्रियंका गांधी या किसी राहुल गांधी या किसी अलग नेता, राजनीतिक नेता का नहीं है, आज सवाल हिंदुस्तान का, आज सवाल 140 करोड़ लोगों का, आज सवाल हिंदुस्तान घुमा दिया फिर से? मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूँ। आज आप देखिए, आज जो लड़ाई होने जा रही है 2024 की लड़ाई, बड़ा ही रोचक सवाल आ गया। मुझे बता दीजिए कि पीएम बनना चाहिए, बन सकते हैं कि नहीं? मैं वही बता रहा हूँ कि पीएम कौन होगा, ये एक भारत का संवैधानिक ढांचा है, नहीं बोलेंगे भारत फंगी ढांचा, मैं उसी में बात कर रहा हूँ, घुमाइए नहीं एक लाइन, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं उसमें नहीं घुमा रहा हूँ। आज सवाल नरेंद्र मोदी बनाम 140 करोड़ लोगों, नरेंद्र मोदी बनाम, इस पर आ जाएंगे, लेकिन मैं आ रहा हूँ शिरीन के पास, चल रहे हैं एक बार चल रहे हैं। शिरीन देखिए, बहुत दिलचस्प यहाँ बातचीत शुरू हो गई है, अगला सवाल जल्दी से लीजिए ताकि इस बातचीत को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाया जा सके। बिल्कुल, अगला सवाल आपकी चर्चा को और बल देगा, आप रहिए अभिषेक, मैं आज जल्दी से दर्शकों के सामने अगला सवाल रख देती हूँ। अब तक तो हमने विपक्ष की बात की, लेकिन अब एनडीए से जुड़ा हुआ सवाल है, और एनडीए से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? सवाल है कि क्या
चिराग पासवान के एनडीए में आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा कहने वाले 50% लोग हैं जो कह रहे हैं कि फायदा होगा, 37% को ऐसा लगता है कि नुकसान होगा चिराग पासवान को एनडीए में आने का, लेकिन 13% ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यानी कि 50% ऐसे हैं जो मानते हैं, खुद को हनुमान कहते रहे हमेशा चिराग पासवान, और लोगों को भी लगता है कि चिराग पासवान बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे एनडीए में शामिल होके। अगला सवाल भी जल्दी से रख देते हैं सामने। अगला सवाल, अकाली दल एनडीए में आता है तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती मिलेगी? 46% हाँ कह रहे हैं, 35% इसे ना कह रहे हैं, और 19% जो कह रहे हैं कि नहीं। तो अकाली दल एनडीए में आता है तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाएगा? 46% जो हाँ, 35% यानी कि 5% कम ऐसे जो नहीं। तो यहां पर देखिए, हाँ और ना दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक चुनौती के तौर पर 46% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अकाली दल अगर एनडीए में वापस आ जाए तो पंजाब में ये चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए होगी। अभिषेक, बिल्कुल, और देखिए इस पर पहले अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनडीए बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसकी रग-रग से वाकिफ है नीरज पांडे। जितना नीरज पांडे इस समय जो चीजें सामने रख रहे हैं उससे मैं अंदाजा लगा के आपको बता रहा हूं। नीरज, एक बात मुझे बताइए, चिराग पासवान की तस्वीरें आ गई हैं, वो तो दुनिया ने देख लिया है, आप वो ज्यादा बताने में दिलचस्पी रखते हैं जो दुनिया ने नहीं देखा है। अकाली दल और बीजेपी, नीरज, क्या है अंदर की कहानी? लोग कह रहे हैं कि फायदा हो जाएगा साथ आने पर, लेकिन क्या कुछ आपको होता हुआ दिख रहा है ऑन रिकॉर्ड? देखिए कई अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं अभिषेक, इसे नकारा नहीं जा सकता कि दोनों लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। आने के लिए आज देखिए जेपी नड्डा से भी हम लोगों ने जब सवाल किया तो उन्होंने भी ये बात कही कि ये भविष्य के गर्त में है, यानी अगर उनको आना होगा तो बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तो साफ तौर पर संकेत है कि कहीं ना कहीं टेबल टॉक या अंडर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, और मेरी जानकारी भी है कि पर्दे के पीछे अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लंबी चर्चा हो चुकी है। ये अलग बात है कि पंजाब की जो लोकल बीजेपी की यूनिट है वो नहीं चाहती है कि अकाली उनके साथ आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अकालियों का जो उनकी एंटी इनकंबेंसी रही है वो उनके साथ चिपक जाएगी। तो ये एक छोटा सा मैटर, लेकिन चूंकि लार्जर स्केल पर अगर आप बात करें, शुक्रिया, आपने जो समझाया है शुक्रिया नीरज, उससे काफी हद तक तस्वीर क्लियर हो रही है। ब्रेक का टाइम, लेकिन ब्रेक में लेने से पहले अम्मा यहाँ पर आ गई, इनसे बात कर ले। क्या नाम है अम्मा? लक्ष्मण। प्रधानमंत्री कौन बनी अगली बार? अब आज हम किसको बुरा बना, हम आज जान तो कांग्रेस बने। कांग्रेस बने, कांग्रेस में कौन बने है? कांग्रेस में कौन? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी बने, ठीक नेता है। हाँ, मोदी जी? अब मोदी जी अपनी जगह बेबी अच्छे हैं, हमें तो कांग्रेस अच्छी है। अरे गजब, क्या बात है भाई, अम्मा ने पूरा पूरा माहौल ही चेंज कर दिया यहाँ पर। छोटा सा समय हमारे पास इस चंक में है, इसलिए इस छोटे समय का बड़ा इस्तेमाल कर लें और सीधे पब्लिक के पास चलते हैं। भाई बहुत देर से आप हमारी डिबेट सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मूंछों पे ताव भी दे रहे हैं जबरदस्त आप है? मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, अभी माता जी ने कहा था राहुल गांधी, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया। उनके दिल में है तो बोला उन्होंने, राहुल गांधी बन नहीं सकते, 2029 तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते लोग। लेकिन वो उन्होंने पहले कांग्रेस कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी अगर सिर्फ लोग राहुल गांधी पे दाव लगा रहे हैं तो समझ लो। आप कहता हूँ किस पर है? मैं तो कहता हूँ मोदी आएंगे फिर से, सिर्फ मोदी। इतने सारे इकट्ठा हो गए वहाँ विपक्ष, विपक्ष में दम नहीं है सर किसी में भी। पूछ लेते हैं भैया, कुछ बोलेंगे? देखो, राहुल गांधी जी वो चंद्रयान है जो इतनी बार लॉन्च होने के बाद भी आज तक लैंड नहीं हो पाए। गांधी से आपको समस्या है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इधर पूछ लेते हैं, आप बताइए बताइए, किताब कौन सी रखी है आपने? ये स्पीक मैगी की किताब है और ये एक मैगजीन है जहाँ पे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी पढ़ी लिखी वाली किताब। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आपने जो सवाल पूछा है जमहूरियत को, अगर पब्लिक सही से समझ ले तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है तो ये ऐसा नहीं है। राज्यों के स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो रही है। लोकसभा में 2024 का जैसे ही इलेक्शन आता है तो सारा राष्ट्र जो है वो अभी इस वक्त बीजेपी की तरफ पूरी तरीके से झुका। आप कह रहे हैं कि राज्य में ठीक है, राज्यों में अगर आप देखेंगे राज्यों के अंदर स्थिति भाई कुछ मैं इन्हीं का जवाब दूंगा, सुन लीजिए। अगर कह रहे हैं कि राज्यों में कांग्रेस मजबूत हो रही है, जिनके साथ ये अलायंस कर रहे हैं ना, आज घबराहट वो टेबल में एक साथ तो बैठे हैं मगर दिल में घबराहट है कि कांग्रेस उन्हीं के तुरंत लौट करके आ रहे हैं। देखिए यहाँ का तस्वीर, देखिए जनता किस अंदाज में यहाँ पर आ गई है, यही है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती। आप बात शुरू कीजिए और जनता जो आ जाती है, और क्या बॉडी फिटनेस है आपकी भाई साहब, पहले इसकी तारीफ ले लीजिए। जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है, तो जनता के पास चलने की पहले शिरीन के पास चलते हैं। शिरीन,
जितने आपके पास सवाल हैं सारे सवाल आप ले लीजिए ताकि हमको एक निचोड़ मिल जाए और फिर हम जनता से बात करना शुरू कर दें। श्रीन बिल्कुल अभिषेक, ये तमाम सवाल जल्दी से आपके सामने और दर्शकों के भी सामने रख देते हैं। और अब बात कुछ और सवालों की। अभी तक तो हमने गठबंधन को लेकर यहां पर सवाल पूछे थे, अब कुछ और सवाल राज्यों को लेकर। और देखिए बात कर लेती हूं मैं यहां पर अब मध्य प्रदेश की। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? तो सवाल जब पूछा जवाब क्या मिला, हाँ कहने वाले 61% लोग हैं, नहीं कहने वाले 26% और 13% जो कह रहे हैं कि पता नहीं। तो बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए मध्य प्रदेश में, 61% लोगों को ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए जल्दी। अगला सवाल ऑल इंडिया सर्वे में हमने राजस्थान से जुड़ा हुआ पूछा कि राजस्थान में कांग्रेस को गहलोत को चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए क्या? 43% कह रहे हैं कि हाँ करना चाहिए, 42% कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, 15% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन यहां देखिए 43 और 42 सिर्फ 1% का फर्क, जो हां और ना में बटा हुआ यह जवाब है, कांग्रेस को गहलोत को चेहरा प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। तीसरा सवाल भी अब आपके सामने कि क्या राजस्थान में बीजेपी को भी सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? यहां देखिए 60% कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए, 28% जो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, और पता नहीं कहने वालों का आंकड़ा है 12% का। जल्दी से अगला सवाल भी दर्शकों के सामने रख दें। ऑल इंडिया सर्वे में जो हमने पूछा एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से नुकसान किसको होगा, पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को होगा, कहने वाले 41% हैं, 22% जो इससे बीजेपी को नुकसान होता देख रहे हैं, 22% जो कह रहे हैं कि दोनों को होगा, कांग्रेस को भी होगा और बीजेपी को भी होगा, लेकिन 15% जो इस बारे में कोई भी राय बना नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो मैंने दर्शकों के सामने रख दिए, अब अभिषेक आप इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल शिरीन, बहुत शुक्रिया, आप लगातार वो वहां से विचार बता रही हैं जिससे कि यहाँ का वैचारिक घमासान और तेज होता जा रहा है। बात कर लेते हैं हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे, अभिषेक भाई हैं आम आदमी पार्टी से, क्रोध में नजर आ रहे हैं, इनसे ज्यादा नहीं पूछ पाया हूँ मैं, सरकार इनकी है तो आना ही पड़ेगा मुझे, जिसकी सरकार उसके पास दरबार पे। अभिषेक भाई 2024 का एक बात समझा दीजिए, अभी सर्वे में एक बात और आ रही है कि आप जहाँ लड़ेंगे वहाँ आप माठा करेंगे कांग्रेस का, तो कैसे विपक्षी एकता होगी जब बीच में आप एंट्री कर जाएंगे? बात अभी तक विपक्षी एकता नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले चुटकी ले रहे थे कि जितने दल हो गए फारी इकट्ठे होने, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीएम 38 दल है, उसके बाद सीबीआई है, ईडी है, मतलब टोटल 40 हो गए, एक तरफ 38 लोग हैं, एक तरफ 40 लोग, नंबर एक। दूसरी चीज, कांग्रेस का नुकसान तो कर देंगे ना अभिषेक भाई, बात कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नहीं, आज जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये 2024 का चुनाव भारत की जनता बनाम नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कांग्रेस, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस में नहीं, कंप्लीट कर लेने दो अभिषेक भाई, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, हो गया अनइंटरप्टेड। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव है उन बेरोजगारों का, जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने वादा करके आया था हम 2 करोड़ नौकरी पर फाल देंगे, उन महिलाओं पे जिन्होंने बोला था महिलाओं पर हुआ अत्याचार अब की बात मोदी सरकार, उन लोगों पे जो आज महंगाई पे इतना सा टमाटर 250 रुपए किलो हो गया। मुद्दा आगे जवाब लीजिए भाई साहब, ये करें एकता इनकी, इनकी एकता में इतनी अनेकता है कि इनका ना तो नेता क्लियर है, ना नेतृत्व क्लियर है, ना नीति क्लियर है, ये सारे एकजुट हो रहे हैं उसको गिराने के लिए जो देश का वैभव बढ़ा रहा है। घबरा तो नहीं, और दूसरी बात घबरा तो नहीं, घबराता नहीं है भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, और ये सब एक हो रहे हैं अपने बच्चे करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश के बच्चे आगे बढ़े, सशक्त बने भारत। दुष्यंत भाई आम आदमी पार्टी बोल नहीं रही कांग्रेस के लिए, बदल रहा है क्या, बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, जनता की आवाज है, जनता चाहती है कि जो देश में अमन चैन भाईचारा प्रगति एकता चाहते हैं वो सभी लोग मिलकर चुनाव लड़े। हमारे भाजपा के साथ ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अकेला कहाँ है, आपके साथ राजभर परिवार, आपके साथ निषाद परिवार, आपके पास चौटाला परिवार, आपके पास प्रधानमंत्री पर लड़ाई नहीं है, आप क्या क्लियर नहीं कौन बनेगा भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को बनाना चाहते हैं ये प्रणाली, अभिषेक अरविंद केजरीवाल ये चुनाव के बाद तय कर लिया जाएगा, आज सवाल हिंदुस्तान को बचाने की है, पब्लिक से बात कर ले कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देखिए 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 सुनिए आम आदमी का क्या कहना, दिल्ली को पानी कर रखा है, और रही बात राहुल गांधी का, उसका तो ये हाल है, बाप दादा बादाम खाए तो हम भी पहलवान है, और सुनिए बीजेपी के आदमी तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। केजरीवाल सुनिए राहुल गांधी का सरनेम हटा दीजिए, राहुल गांधी पे कहां है आमादा है, सामने चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, आप लड़ेंगे चुनाव, बताइए चुनाव लड़ने तैयार है,
जो आदमी लोकसभा की सीट पर बैठ के आंख मारता है वो वहाँ बैठने के काबिल नहीं है। सब लोग राहुल गांधी भी क्यों इतना नाराज, उसी को तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसी के लिए कहीं नहीं कहा गया कि राहुल गांधी बने कि अभी तो बैठे हैं सब। कोर्ट ने उनको मतलब बेदखल किया, कोर्ट ने किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो। और क्यों आ गए इसका, मैं बोलना चाह रहा 2000 में फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे, 400 को पार करेंगे भाई, लेकिन इतने सारे इकट्ठा लुटेरे को भगाना है, इकट्ठा हो जाए सारे चूहे एक तरफ, अकेला शेर एक तरफ। डर नहीं है सब इकट्ठा, अरे बदल जा रहा है वो सब शेर है, शेर शहरी है, फिर आऊंगा बोलने। मैं कह रहा हूँ यमुना खादर में इतना सारे किसानों का नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है क्योंकि किसानों का नुकसान, उसके लिए वो क्या कर रही है, कितने किसानों का फसलें नुकसान हो रही है उस पर कुछ कदम उठाना, किसानों को बीजेपी से फायदा मिला है। अभी सरकार किसकी, दिल्ली में सरकार किसकी है, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। इधर भी भाई साहब हेलमेट क्यों पहने हुए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे थे, चालान तो नहीं कर देगा, चालान भी कर सकते हैं, ऐसा है मोदी राज में कुछ भी हो सकता है जी, पॉसिबल है। 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं ये मोदी राज में, लॉकडाउन के बाद से कैसा देश तरक्की कर रहा है, कांग्रेस ने रोजगार दे दिया तो सब। अरे कांग्रेस आएगी जब उसकी बात करेंगे ना, कांग्रेस थी अभी तक यहाँ पर, मिल गया रोजगार। कांग्रेस के राज में एक आदमी पे 43,000 था, आज ये 1,43,000 हो गया। क्या बात बता रहे हैं भाई, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं, कर्जा बढ़ गया है बोल। देखिए ये वो लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग, कह रहे कर्जा बढ़ गया, भ्रष्टाचार की खिचड़ी पका रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार की खिचड़ी पकने वाली नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, जरा इनसे पूछो आप। कह रहे कर्जा कितना बढ़ा दिया देश पर, कर्जा बढ़ा दिया इस भाई पे हुआ कर्जा, हम तो खुला कमा रहे खुला खा रहे, चालीस पर तो हो गया बता रहे हैं। 2024 में मोदी जी और योगी जी जैसे सिलेंडर 4,000 का हो जाए, क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सिलेंडर 4,000 का हो जाए, आम आदमी कैसे खाना बना, आधा आदमी 1,800 रुपए रोज कमा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और बेरोजगार वो जो डेली कमाते डेली खाते उनका क्या, वो बंदे जिस थाली में खाते उसी में छेद के, गाड़ी एकदम नेपाल वाली है क्या। सुबह जिस आदमी को देशद्रोही कहा जाता है, भ्रष्टाचार का सम्राट कहा जाता है, हाथ मिला लेते हैं, दोपहर में भाजपा की सदस्यता लेता है और शाम को उसको राष्ट्रभक्त का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, मशीन जो ये लोग कहते हैं, बिल्कुल। एक सवाल आपसे ले लें, देखिए बड़ी जागरूक पब्लिक है, इन्होंने एक बात कही कि ये जो बीजेपी में तमाम मिलते जा रहे हैं ना, जिनसे पहले खिलाफत थी, एनसीपी हो गया, शिंदे हो गए, तो इसका क्या असर आप देख रहे हैं सर्वे में अपने। देखिए ये तो है कि हर पार्टी जो भी नेशनल पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज का रेलेवेंस समझ रही हैं, तो जैसे अपोजिशन ने जोड़ना शुरू किया तो उन्हें लगा कि उनका धड़ा मजबूत हो जाएगा, तो वही काम अब एनडीए बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि इस लड़ाई में कोई भी कमजोर नहीं रहना चाहता है, जो भी छोटी पार्टियां हैं जिनसे भी वो मजबूत हो सके। पब्लिक पर क्या असर जा रहा है, जो इस तरह से गठबंधन हो रहे हैं, 2 सितारों का जमीन पर है मिलनास की रात टाइप का। देखिए ये तो अब देखते जाइए आगे अभी 8-9 महीने, ठीक है। भाई साहब इधर आइए, ये चश्मे की स्टाइल एकदम लग रही है बॉलीवुड वाली है, बॉलीवुड। देखिए आचार्य चाणक्य गुप्त ने ना बहुत पहले बात अर्थशास्त्र में लिख दी थी कि जब राजा अकेला पड़ जाए और चोर सारे इकट्ठे हो जाएं तो समझ लेना कि राजा जो है वो ज्वलंत है, प्रगतिशील है और कर्मठ है। कौटिल्य ने किसके लिए लिखा था, कौटिल्य ने जो भी बात कही ना, आचार्य चाणक्य ने जो भी बात कही, ये की भी तो बैठक हो रही, वहां भी सब इकट्ठे हो रहे, वहीं पर ही बैठक हो रही है, लेकिन उसने एक बात बोल दी थी कि अगर राजा को अकेला छोड़ देती है। देखिए ज्यादा दल तो मोदी जी के साथ हैं, तो क्या चोर मोदी जी के साथ, सवाल का जवाब। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न निकल के आ रहा है कि बैठकें दोनों जगह हो रही है, लेकिन दोनों बैठक में ये जो बड़ी अंतर है कि एक बैठक में एनडीए में उसका नेता क्लियर है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ताकत है, और बाकी में अपने आप अभिषेक भाई, ये लोकतंत्र संसदीय प्रणाली है हिंदुस्तान की, दिल्ली में तो आपका ये दिल्ली में तो नेता था ना, बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेता डिफाइड हो जाएगा 140 करोड़ में, कोई भी तो ये ज्ञान होना चाहिए, ये संसदीय व्यवस्था है या प्रधानमंत्री सांसद चुनाव। जी आइए सुनिए भाई, पाजी को सुनिए, पाजी बताइए आप, मोदी जी भी कल 30 पार्टियों का वो कर रहे हैं, जो वो चोर इकट्ठे हो रहे हैं, छोका होटल में पार्टी हो रही है, अकेला अकेला मोमोज बनाएंगे वो, इस पार्टी इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए एक बात तो स्पष्ट है, उन सारे लोगों को बेचैनी हो रही है जिनकी रोजी रोटी भ्रष्टाचार की बंद हो गई। कौन बनेगा प्रधानमंत्री,
अब राहुल गांधी सर ठीक है, यहीं पर समय हो गया है, यहीं खत्म करते हैं। और गालिब का वो शेर है कि थी खबर गर्म की, गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। तो देखते हैं किसके पुर्जे उड़ते हैं और कहां तमाशा होता है।